हाँ तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैथ्स का, ठीक है। चलिए हाँ तो बच्चों, डाउट्स लेता हूँ सबसे पहले, फिर मैं आज का आपको होमवर्क दूंगा। कल से हम अपना न्यू मेथड स्टार्ट करेंगे। हमारा अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ग्राफिकल मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारी चल रही है एक्सरसाइज 3.3, आज हम उसे कंप्लीट कर लेंगे होमवर्क के साथ, और कल हम स्टार्ट करेंगे 3.4, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्या न्यू मेथड। ओके चलिए सबसे पहले डाउट्स लेते हैं। मेरे पास डाउट्स आया एग्जाम्पल नंबर 9, उसमें क्या बोला हुआ है, वही पहले क्वेश्चन आ चुका है ऐसा, बस इसको इस बार अल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है बच्चों। क्या द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स, तो मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ क्या लिखेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी एक्स रुपीज। ओके, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर बी वाई रुपीज। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉट आर द इक्वेशंस, 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स मतलब 2x + 3y = 9, एंड सेकेंड वन इज 4x + 6y = 18, एंड यू हैव टू सॉल्व एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड इरेजर। और आपको इसको ग्राफिकल मैथड से ना सॉल्व करके सब्सिट्यूशन मैथड से सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, शिलाज का क्वेश्चन था, वैसे सुनी आप लोग सभी क्या था, क्या लिखेंगे। सबसे पहले जो मैंने बताया, सब्स्टिट्यूशन में दोनों इक्वेशन में से पहले 1, 2 मान लो, कोई भी इक्वेशन उठाओ। मैंने पहली इक्वेशन उठा ली, कोई सी भी उठाओ, मैंने बोला ना दोनों में से कोई सी भी लो, क्या आएगी 2x = 9 - 3y, एंड x = 9 - 3y/2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ x टेकन एज थर्ड। नाउ पुट थर्ड इन, किस में से ली थी, फर्स्ट में से बनाई थी ना ये, तो फर्स्ट में ना पुट करके किस में रखनी है बच्चों, सेकंड में, है ना। यही तो बताया था कि कोई सी भी इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकालो, फिर दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर दो। मैंने फर्स्ट से एक्स की वैल्यू निकाली, उसको दूसरी में क्या कर देना है पुट, तो क्या बनेगा 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 9 - 3y/2, 4x, एक्स की वैल्यू ये आई थी इस वाली इक्वेशन से, इसने पुट कर दी, +6y = 18। शिराज देखना आराम से, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 9 जा 18, 2 3 जा 6y + 6y = 18। भाई वाई से वाई कट गया, यहाँ तो 18 = 18 आ गया, समस्या नहीं आया कुछ, क्या हो गया बच्चों। जब भी कभी ऐसी इक्वेशन आए कि एक्स और वाई पूरी तरीके से कट जाए, कोई एक्स और वाई की आप वैल्यू ही नहीं निकाल पा रहे, देखो ना सॉल्व करने पे 6y कट गया, 18 और 18 बचा, बराबर आने चाहिए दोनों, तो इस केस में होता है कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी एक्स और वाई की कोई एक वैल्यू नहीं होगी, बहुत सारी होगी, तभी तो नहीं निकली यहाँ एक्स और वाई। तो जब भी आपके एक्स और वाई पूरे कैंसिल हो जाए और दोनों तरफ वैल्यूज इक्वल हैं, यहाँ 18 है तो यहाँ भी 18 है, ऐसा ना है कि यहाँ 18 तो यहाँ 17 बचा, नहीं, अगर यहाँ 6 बचा तो यहाँ 6, 0 बचा तो 0, 2 बचा तो 2, एक्स और वाई बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में इक्वेशन आपके सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई की आप कोई वैल्यू निकाल नहीं सकते, ठीक है श्रेयस। और आप चेक भी करोगे तो 1/2 1/2 1/2 वही आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आप यहीं छोड़ देंगे, इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो वाई की वैल्यू निकाल सकते ना एक्स की, क्योंकि एक वैल्यू नहीं बहुत सारी वैल्यू, और अगर हो रहा अगर वैल्यूज होती हैं तो वो डेफिनेटली आती, अब नहीं आ रही हैं, तो इसलिए इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एग्जाम्पल नंबर 9, जो बच्चों आपने पूछा था पहला क्वेश्चन। नाउ बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, ये भी मेरे से किसी ने पूछा है, तो सुनिए बच्चों, एग्जाम्पल 10 क्या है, हमें इसमें बोल रखा है कि जो रेलवे वाला क्वेश्चन था उसकी इक्वेशन हमें पहले से बना के दे रखी है, क्या कि x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस, कि जो रेलवे ट्रैक वाला था एक क्वेश्चन किया था, याद होगा, जिसमें लाइंस पैरेलल आई थी, वो कभी मीट नहीं होंगी रेलवे ट्रैक की, तो यहाँ भी जब लाइंस पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। पहला स्टेप, पहले से ही एक्स की, इसे 1 मान लो, इसे 2/1, x = 4 - 2y, ओके x = 4 - 2y टेकन एज थर्ड इक्वेशन,
नाउ पुट थर्ड इन टू, क्योंकि पहली से बनाई है तो सेकंड में पुट करनी पड़ेगी, टू फोर माइनस टू वाई प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू ज़ीरो, एट माइनस फोर वाई प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू ज़ीरो, फोर वाई से फोर वाई कैंसिल, एट बराबर आ गया ट्वेल्व, नॉट इक्वल टू ट्वेल्व। भाई ये तो कोई कंडीशन ही नहीं बन रही, तो इट मीन्स इट हैज़ नो सॉल्यूशन। याद रखना, अगर यहाँ 8 आ जाता तो इनफाइनाइट, यहाँ 12 आ जाता तो भी इनफाइनाइट, जब दोनों आमने सामने इक्वल नहीं आ रहे हैं, कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है, गलत रॉन्ग कंडीशन बन रही है, तो इट मींस इट हैज़ नो सॉल्यूशंस। अगर दोनों सेम आते दोनों तरफ तो मैनी सॉल्यूशंस, और अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो कोई ना कोई वैल्यू एक्स और वाई की आ ही जाती। ये हो गया आपका दूसरा डाउट, ठीक है, जो मेरे से आपने पूछा था, हमने एक एक एग्जांपल कर लिया है। इसके बाद मैंने आपको 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए दिया था, उसमें से मैं अपने पास से कुछ क्वेश्चंस उठा रहा हूँ जो मैं करके दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, जो मेरे से श्रेयांश ने पूछा था, थर्ड पार्ट। श्रेयांश ये तो उसी की तरह हो जाएगा बेटा, सुनिए, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो ये तो सेम हो जाएगा जैसे उसमें किया था, यहाँ से पहले क्या निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो। चलो इस बार हमने, क्योंकि हमें y की आसान लग रही है, बाय फर्स्ट y इक्वल टू 3x, ये माइनस मत समझ लेना इसे, 1 2, y इक्वल टू 3x माइनस 3 पुट इन, सेकेंड 9x माइनस 3, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 9, कट गया, 9 इज इक्वल टू 9, हैंस इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं इसका अपने पास से, जो मुझे थोड़ा अच्छा सा लग रहा है इसमें, वो है मेरा क्वेश्चन नंबर 2, सुनिए सब ध्यान से, ठीक है, जहाँ भी समझ में नहीं आया है तुरंत वीडियो को पॉज करके मेरे से पूछिए, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, दिस इज द इक्वेशंस। तो देखो भैया पहली इक्वेशन तो क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, है ना। दूसरी इक्वेशन है, पहले इसका ले लो LCM, क्योंकि हमें सॉल्व करना सही रहेगा, 3 2 जा 6, 2 की s में करेंगे 2s, प्लस 2 3 जा 6, 3 की t में करेंगे 3t इक्वल टू क्या आएगा 6, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, कोई दिक्कत। ये हो गई मेरी क्या बेटा, सेकेंड इक्वेशन, एलसीएम ले लिया 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। अब पहली इक्वेशन से बाय फर्स्ट s इक्वल टू 3 प्लस t आ गया बेटा, खुद देखो ना, इसे मान ली थर्ड, पुट थर्ड इन सेकेंड, तो क्या बनेगी इक्वेशन, 2 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, 5t इक्वल टू 30 माइनस हो जाएगा 6, टी की वैल्यू आ गई 6। देखो ऐसे सॉल्व हो गया, टी 6 आ गया, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 6 दैट इज 9, तो s इज इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो एक मौका और दे रहा हूँ, कल भी चलेगी 3.3, पूछ लीजिए, क्योंकि कल हम नया मेथड सीख के जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ आज नया, सुनिए ध्यान से, ये हो गए आप लोगों के डाउट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपका है आज क्वेश्चन नंबर 2, क्या है सॉल्व, क्वेश्चन है सॉल्व, ये एक्सरसाइज 3.2 का है बेटा, 3.3 का सॉल्व, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, एंड फाइंड m, क्या फाइंड करना है, m फॉर विच, अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल टू mx प्लस 3, दिस इज द कंडीशन, ओके। सुनिए क्या करेंगे इसमें, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि पहले इसमें सॉल्व करो, x और y निकालो और फिर m की वैल्यू निकालो जो ये सेटिस्फाई करेगा कंडीशन। तो पहले हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ x और y पुट कर देंगे, मेरा क्या निकल जाएगा m, कैसे करेंगे,
वही 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकेंड बाय फर्स्ट से ये आ गई इक्वेशन मेरी, पुट इन सेकेंड, क्योंकि 2x पूरी रख दो क्योंकि पूरी है ना, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब x की मत निकालो जब तुम्हें पता है यहाँ 2x 2x है, तो 2x ही पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दी, 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24, 11 प्लस 24 इक्वल टू 7y, y इक्वल टू 35 अपॉन 7, दैट इज y इक्वल टू 5। ओके, अब y 5 आ गया, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5, इस वाली में पुट कर दी, यही तो इक्वेशन आई थी, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, 2x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 2। नाउ क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, वॉट इज द वैल्यू ऑफ y, 5, वॉट इज द वैल्यू ऑफ m, कैलकुलेट करनी है, x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3, 5 में से 3 गए, 2 इक्वल टू माइनस 2 m, m आ गया माइनस 1। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछिए, ये क्वेश्चन भी आपका खत्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद बस एक क्वेश्चन बचता है इसके, जिसके 6 पार्ट है, वो आप लोगों का आज का होमवर्क है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, जो भी नहीं आया वो मेरे से मुझे डालिए बेटा। और एक तो प्लीज़, जिसके जो भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं मुझे बताइए, जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसके जो भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं मुझे शेयर करिए, ताकि मैं आपको बता सकूँ उसके बारे में जो भी डाउट है, अदरवाइज पीछे रह जाओगे, दोबारा करेंगे ठीक है, मगर अभी दोबारा अभी भी अच्छे से करो। ठीक है, तो आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स, और 1 में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के किसी भी पार्ट में। ठीक है, जो नहीं आया वीडियो को पॉज करके मेरे से पूछ सकते हो। आज के लिए इतना, दोनों सब्जेक्ट्स के होमवर्क आपको मिल चुके हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।